वो पूरी की पूरी एक जो समझ लें आप पूरी डॉक्ट्राइन है ना, वो उस बंदे ने डिस्कवर की। वो बंदा कुरान को समझने के लिए 40 साल तक एक खैमे में उसने जिंदगी गुजारी है। सूरतुल बकरा सूरह अल इमरान भी जोड़ा है। सूरह अल बकरा भी साबिका उम्मत मुसलमा को डील करती है, लेकिन वो कौन सी उम्मत? यहूदी। और सूरह अल इमरान भी एक साबिका उम्मत मुसलमा को डील करती है, ईसाई नसारा। ये दोनों मिलके एक परफेक्शन की तरफ जाते हैं। सूरह अन नजम और सूरतुल कमर ये भी जोड़ा है, चांद और तारा, चांद तारा वैसे भी जोड़ा है, आपके वो झंडे पे भी है ना। तो ये कुरान हकीम जोड़ों की शक्ल में है, और आपको बाज़ुकात बिल्कुल सिमिलर आयात जो है वो जोड़ों में मुख्तलिफ अंदाज में सूरतों में मिलेंगी। एक लादा से टॉपिक है, और इसकी डिस्कवरी जो है ना उम्मत में पहली दफ़ा की है हमीदुद्दीन फराही साहब ने रहिमहुल्लाह ताला, जो गामदी साहब के भी और डॉक्टर इसरार साहब के भी दादा उस्ताद हैं, अमीन अहसन इस्लाही साहब के उस्ताद। अब ये आप चीज़ देखें, ये वो चीज़ है जो उम्मत में पहले 1300 साल के मुसलमानों के ऊपर उस तरह आश्कार नहीं हुई। अगरचे इशारे मौजूद थे यार, जब अबू दाऊद में, तिर्मिज़ी में, इब्ने माजा में हदीसें मौजूद हैं मुआविज़तैन के बारे में, दो पना देने वाली सूरतें। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि सूरह आले इमरान और सूरह बकरा जो हैं ये दो परिंदों की शक्ल में, साहिबान की शक्ल में क़यामत वाले दिन साया करेंगी। तो इशारे तो मौजूद थे, लेकिन इस तरफ किसी का दिमाग नहीं गया कि ये वाकई जोड़े हैं, फिर इनका एक मकसद अचीव होता है। वो पूरी की पूरी एक जो समझ लें आप पूरी डॉक्ट्राइन है ना, वो उस बंदे ने डिस्कवर की है। और उस बंदे ने भी कमाल काम किया जी। वो बंदा कुरान को समझने के लिए 40 साल तक एक खैमे में उसने जिंदगी गुजारी है, जाके बिल्कुल रेगिस्तानी एरिया में, उसी तरीके के मुताबिक जिन हालातों वाक़यात में कुरान नाजिल हुआ था, ताकि वो अरब के लोगों के कल्चर को समझ सके और उन फीलिंग्स को फील कर सके। फिर अल्लाह ने देखे कैसी चीज़ें उनके ऊपर खोली हैं, उनको आज यानी इस हवाले से कुरान के नज़्म, इसको नज़्म कहा जाता है कुरान का, इसका इमाम माना जाता है। हालांकि एक पुराने बुजुर्ग नहीं है, बमुश्किल 100 साल हुए उनको फौत हुए। डॉक्टर सार साहब ने भी इस हवाले से जो तारुफ़ कुरान के अपने लेक्चर हैं बयानुल कुरान में, उसमें बड़ी डिटेल से वो बोले हैं, और उन्होंने ईमानदारी की है कि उनका नाम लिया है, उस डिस्कवरी को अपने साथ मंसूब नहीं किया। ये बड़ी बेईमानी होती है कि आप किसी दूसरे शख्स की डिस्कवरी का लेबल जो है वो मतलब अपना लगा के उस सौदे को बेचना शुरू करें। तो मैंने भी इसलिए ईमानदारी की कि ये मेरी कोई डिस्कवरी नहीं है, कि कोई ये ना कह दे अली भाई ने क्या कमाल कर दिया, जिसने किया उसी की तरह मंसूब कर रहे हैं। और अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उनको नेक कामों का अजर अता फरमाए। आमीन।